तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक डिजिटल एसेट है। जैसे आपके पास नोट होता है, करेंसी के अंदर आप नोट क्यों घूमते हो, आप उससे बहुत सारी चीजें खरीदते हो, बाय करते हो, ये आपको सबको पता ही है। फ्यूचर के अंदर आप वही सेम चीजें जो आप डॉलर या किसी और नोट से आपकी कंट्री की करेंसी से करते हो, वही चीज आप आगे जाके क्रिप्टो से भी कर सकते हो। अच्छा, क्रिप्टो किस चीज के ऊपर रेगुलेट होती है, किस तरह वर्क करती है? क्रिप्टो बेसिकली एक नेटवर्क है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि वो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक वैलिडिटी है एक करेंसी की, जो आपको एक श्योरिटी देती है कि आपके सारे पैसे और सिक्योरिटी वाइज एंड एवरीथिंग सॉफ्टवेयर वाइज सिक्योर रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई मसला नहीं हो। एक फायदा है क्रिप्टो का, पता क्या है, जो मैं चाहता हूँ कि सब अंडरस्टैंड करें, वो ये है कि आपके पास जो फिजिकल पैसे होते हैं, ठीक है, वो आपके मॉनिटर्ड होते हैं आपके बैंक अकाउंट से। आपके थर्ड पार्टी लोग बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक करके, आप जब आपने अपने पैसे स्टोर किए हुए होते हैं अपने बैंक के अंदर। बट क्रिप्टो के अंदर ऐसा नहीं है। क्रिप्टो के अंदर बेसिकली इट्स अबाउट यू एंड योर मनी। कोई थर्ड पार्टी बंदा, थर्ड पार्टी ऐप, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है आपके ट्रांजेक्शन से, आपकी बाइंग से, आपकी सेलिंग से। सो दैट्स वन ऑफ द वंडरफुल थिंग्स जो क्रिप्टो करेंसी आपको अपॉर्चुनिटी देती है अवेल करने को। क्यों? इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके जो जितने टैक्सेशन लगते हैं ना आपके अपने करेंसी के ऊपर, बैंक के ऊपर जितने टैक्स लगता है, क्रिप्टो के अंदर ऐसा सीन नहीं है। रेगुलेट हो जाएगा, टैक्स लगेगा, लेकिन कंपेयरली सस्ता लगेगा।